हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं पालक के पकोड़े, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले हैं। तो जिसके लिए मैंने पालक को कट करके रख लिया था ऑलरेडी और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच, छोटा ही चम्मच है मेरा, तो मैं 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ इसमें। और साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिए कट करके, और कट करके मैंने मिर्ची ले लिए हैं, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाला है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है इसमें। और मैंने ये कुछ क्रश करके मैंने अजवाइन लिया है, तो आप इसे भी क्रश करके डाल दें। और अच्छे से इसे पहले बिना पानी के अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि पालक भी वाटर रिलीज़ करता है। तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद ही मैंने पानी इसमें ऐड किया है, ये अपने आप ही अच्छे से बाइंड हो गया। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं तेल में। इतना ही फ्राई करना है, लाइट गोल्डन होना चाहिए। और बाकी सारे पकोड़े भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी था, भले ही कुछ ही इंग्रेडिएंट से बने हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है ये, क्योंकि पालक के बने हुए। ज़्यादा मैंने इसमें बेसन ऐड भी नहीं किया था, तो आप भी ज़रूर बनाएं इसे। अगर रेसिपी पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने भी ये रेसिपी ट्राई की थी, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।